विकासखंड नसरुल्लागंज के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला नीलकंठ के प्राचार्य सरकार की योजनाओं से परेशान नजर आ रही है, क्योंकि प्राचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बातों को सुनकर तो यही लग रहा है कि सरकार की योजनाओं से मैडम परेशान है। मैडम कह रही हैं कि हमारे भाग्य में लिखा है सरकार ने बोल दिया टीवी लाना है, गांव से पैसे मांगने हैं, भीख मांगनी है, पैसे नहीं मिलो तो जेब से देकर टीवी लाना है। 15 अगस्त पर झंडे के दिए झंडे से बेचे, झंडे नहीं बिके तो जेब से पैसे दिए, क्या करे सरकार, 50,000 तनख्वाह जो दे रही है, नहीं देती तो दबाव बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा जो कहा गया है उससे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी इन शिक्षकों पर अपने क्षेत्र में वाहवाही लूटने के लिए इन शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, या फिर शिक्षक ही ऐसे आदेशों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। और हमारे भाग में लिखा है सरकार ने बोल दिया है कि आपको गांव में पैसे मांगने टीवी लाने के लिए, भीख मांगो झंडे बेचने, आपको हम आपको बता दे रहे चल रही है झंडे बेचो, झंडे में पकड़ा दिए 15 अगस्त को बेचे भैया, नहीं बेचे खुद जेब से मिलाए पैसे, किसी पे दबाव है बल्कि ये कि लोगों को इसलिए तो प्रेरित किया गया है कि आप जन सहयोग से और अपनी स्वेच्छा से कुछ कलेक्शन करके और स्कूल में कम से कम एक स्मार्ट टीवी लगवाएं, जिससे बच्चों को जो आधुनिक समय की पढ़ाई है उससे बच्चों को लाभ मिले। टीचर का कहना है कि गांव वाले पैसे देते नहीं हैं और फिर हमको मजबूरन हमारे जो सैलरी है उसमें से मिलाना पड़ता है। ऐसे ही मामला पहले भी झंडे वाला भी आया था, जिसमें भी हमने कई बार पूरे पैसे झंडे में मिलाए। नहीं देखिए, इसमें ऐसा है स्मार्ट टीवी के बारे में बिल्कुल कतई ये सख्ती नहीं की गई है कि आपको अपनी जेब से मिलाना है या कुछ करना है। एक सामान्य रूप में शाला के हित में, बच्चों के हित में जन सहयोग और शिक्षक से अपेक्षा की गई है। यदि उसमें नहीं होता है तो ऐसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं इस एक वीडियो आया है उसमें ऐसा लगता है कि शिक्षक पे दबाव बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षक परेशान है, या तो शिक्षक परेशान है या फिर शिक्षक सरकार के आदेश की धज्जियाँ उड़ाते नजर आ रहे हैं। सरकार ने इस बारे में कोई आदेश नहीं दिया है, ठीक है ना। ये एक मोटिवेशनल कार्य है और उसमें न तो कोई शासकीय पत्र है न कुछ, जितने भी स्कूलों में जो किया गया है स्मार्ट टीवी की व्यवस्था, वो शिक्षकों ने स्वेच्छा से और जन सहयोग से किया है। इसमें बहुत से जो निजी संस्थाएं हैं, जैसे BBM है, विद्यासागर है, BBM वालों ने 51,000 रुपये दान किए हैं, विद्यासागर ने 21,000 रुपये दान किए, जैसे बहुत से लोग आगे आ रहे हैं स्वेच्छा से और दान कर रहे हैं और उससे व्यवस्था की जा रही है। यदि कहीं पर व्यवस्था नहीं हो रही है तो उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।